तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वाद ऑफिशियल पे। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसको सुन के शायद आपका भी जो दिल है ना वो सहम जाए। ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की जिसने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कमाई करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, POP का काम किया और इस उम्र में आके उनके बच्चों ने ही उनको बेदखल कर दिया। आज वो अपनी साइकिल लेकिन फिर से निकल पड़े हैं बेचने के लिए करेला चाट, दही भल्ले और साथ में पापड़ी चाट, क्योंकि उनको पेट पालना है अपना, अपनी वाइफ का और अपनी बेटी का। वो कहते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे साथ जो हुआ जो ऊपर वाले ने किया बहुत खूब बहुत अच्छा किया। वो कह रहे हैं मैं फिर से खड़ा होऊंगा, मैं फिर से मेहनत करूंगा और जो मेरी ये चेहरे की मुस्कान है ना वो मैं फिर से वापस लेके आऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इन अंकल को हमारी और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम पहुंच चुके हैं जी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में और मैं यहाँ पे आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान को कवर करने के लिए आया हूँ। वो है जी वो अंकल। तो वो जो अंकल को आप देख रहे हैं आज हम उनको कवर करेंगे। बहुत 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 ही ज़्यादा इमोशनल उनकी स्टोरी है और जानिए उनकी क्या स्टोरी है। तो आइए चलते हैं उन अंकल के पास। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं श्याम कुशवाहा अंकल जी। तो अंकल बताइए अपने बारे में कुछ। अरे वो ठीक ठाक है, बढ़िया मकान बनना था, थोड़ा कर्जा हो गया उसमें बिक गया, लड़के जिनकी दोनों की शादी हो गई, शादी करके वो अपने चले गए। एक बेटी है वो पे तो गोद रखी थी, उसके कारण के भाई इनका ब्याह फ्या करना पड़ेगा, उसे ऐसे सोच के चले गई। तो आप कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? ये तो अभी मैंने 2 महीने से करा है लॉकडाउन के। इससे पहले क्या करते थे? यूपी का काम करता था पहले, यूपी का काम। तो एकदम से अंकल कैसे चेंज कैसे आया काम में? 7 साल पहले अटैक पड़ गया था मेरे को, उस वजह से मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, अटैक आने से आपने ये काम छोड़ दिया? यूपी काम छोड़ दिया। अच्छा, तो कितनी तकलीफ हुई अंकल लॉकडाउन के दौरान? तकलीफ तो बहुत रही, अब तो खैर कोई नहीं, वो तो अपना कर रहा खा रहा हूँ। अब अकेले रहते हो आप? नहीं, बीवी है साथ में और लड़की। लड़की है तो आप ही घर का खर्चा पानी चलाने वाले हो जी। तो अंकल ये काम शुरू हुआ कैसे? बस ऐसे ही सोच कर दिया कि अपना पेट पालन तो करना ही है। हाँ, तो आपके 2 बेटे थे? हाँ, चले गए वो छोड़ के, छोड़ छाड़ के चले गए सब कुछ है। मतलब इतने साल आपने उनके लिए इतनी ज़िंदगी अपनी निकाल दी। 3-3, 4-4 गाड़ी दिलवाई उनको ओला की। 3-3 गाड़ी दिलाई आपने उनको ओला की? हाँ। हाँ जी, बातचीत भी नहीं करते आपसे? नहीं। और अब आप, आपकी वाइफ है और आपकी बेटी है साथ में? टेंशन क्यों ले रहे हो अंकल, खुश रहो एकदम। ऊपर वाला तो आपके साथ है। हाँ, ऊपर वाला और कोई हो ना हो ऊपर, कोई टेंशन। और आज ये सारा सामान आपका मैं खाने वाला हूँ, खाने भी नहीं वाला हूँ तो पैक करा के लेके जाने वाला हूँ। आज की टेंशन आपकी खत्म है मेरी तरफ से। तो आज हमें क्या खिलाओगे ये बताओ? आपके भल्ले ही खाओ, भल्ले ठीक रहेगा, करेला खा लो, करेला भी बढ़िया है। सब खाएंगे अंकल, एक करेला की प्लेट खाएंगे, एक भल्ले की प्लेट। स्माइल बड़ी प्यारी आपकी। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आना है तो यहाँ पे आपको न्यू मोबाइल प्लानेट दिखेगा जो कि विशाल टावर जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के बिल्कुल सामने आपको ये अंकल दिखेंगे। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी और टेस्ट भी करेंगे इनके दही बड़े और इनका करेला चाट। अंकल ये क्या बना रहे हो? करेला है। तो करेला क्यों बोलते हैं अंकल इसको? करेला मथुरा की भाषा में बोलते हैं, मथुरा बिकती है ज़्यादा, मथुरा की भाषा में करेला बोलते हैं इसको। हाँ। ये शेप कैसे आती है अंकल इतनी बढ़िया? इसको काटते हैं, बीच में से काट के देते हैं। क्या बात है, बनाओ जी अंकल, आओ जी देखते हैं किस तरीके से करेला बनाया जाता है। करेला चाट है जी? करेला चाट। क्या बात, सफ़ेद नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक ये क्या जी, स्पेशल मसाला। पीली मिर्च, पीली मिर्च, क्या बात। खट्टी चटनी जी, ओए ओए, बड़ा ही क्रिस्पी, बड़ा ही करारा एकदम है अंकल। करारा एकदम, करारा एकदम है जी, क्या बात है। ये डाली टोंट, टोंट जी, क्या बात। और आगे से दही जी, ठंडी ठंडी एकदम दही और सॉल्ट है, बर्फ वाली दार, कोई टेंशन नहीं। ऊपर से जी मटर है, सेव, हो गया काला मसाला, काला मसाला, क्या बात,
₹20 अंकल कीमत है सिर्फ। जी जी, क्या बात है यार अंकल, मान गए आपको। तो ये है जी इनकी स्पेशल करेला चाट। सारा खाना खुद बनाते हो आप, ये सारी पापड़ी चाट भल्ले दही? आंटी कुछ हेल्प करती हैं? हाँ करती हूँ, लगी रहती है साथ। आंटी साथ लगी रहती है। तो किससे सीखा अंकल ये काम आपने? ये पहले सीखा था, 5-6 साल सीखा था, पहले करा था ही, वहाँ करा था खैर में मथुरा के पास। मथुरा के पास, अलीगढ़ के पास खैर है। हाँ जी, वहाँ तो बहुत बड़ी रेड़ी, अभी यहाँ भी बना रखी है रेड़ी। अच्छा, चलती नहीं है यहाँ, लाने नहीं देते रेड़ी, लाने नहीं देते डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ना। तो गार्ड साहब आप क्या खा रहे हो आज? दही भल्ला खा रहा हूँ। बढ़िया एकदम है, कैसा लगा स्वाद? बड़ा टेस्टी बनाते हैं। खाते रहते हो जी? रोजाना? रोजाना आता हूँ। क्या बात है, क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, मेरा नाम सूरवीर सिंह। सूरवीर जी कब आते रहते हो? आते रहते हैं, ये मटेरियल बहुत बढ़िया टेस्टी डालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है एकदम है स्वादिष्ट। तो आप आज कौन सी चाट खा रहे हो? ये करेला चाट खा रहे हो? करेला चाट। तो भाई करेला चाट के दीवाने यहाँ पे हमारे भैया, और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है, स्वाद बढ़िया एकदम है इवन। बिल्कुल एकदम बढ़िया है। तो अंकल क्या दोनों बेटे बात नहीं करते आपसे? नहीं करते। क्यों अंकल, ऐसा क्यों? पैसे 4 लाख रुपये बचे दे रहे थे तो बात करते, 4 लाख रुपये ने दिए नहीं हमने तो बात नहीं करते। अच्छा, आप 4 लाख रुपये उन्हें आपने दे दिए तो आप आपसे बात? बचे हमारा मतलब मकान देख के 4 लाख बचे। अच्छा, तो वो करेंगे पैसे दे, उन्हें पैसे नहीं दिए तो करे अब हमारा तुम्हारा सही कमर। अच्छा, मतलब अगर आपने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आपका रिश्ता ही खत्म करके चले गए बाप के साथ। और बेटियाँ आपके साथ रहती हैं? साथ ही रहती हूँ। तो क्या उनको उनके से आप बेटियाँ से भी बात नहीं करते भाई? नहीं करते बिल्कुल, राखी के लेके गई थी बिल्कुल, भगने मना कर दी, जहाँ आइए खाइए आइए, जब मेरे देख रहे आइए, भगा दी उसको, भगा दिया राखी लेके गई थी उससे लड़की से, भगा दिया। कोई बात नहीं सर, बहुत बढ़िया अंकल, यही जज्बा रखना, कोई बात नहीं, ऊपर वाला आपके साथ है और आप बहुत आगे तक जाओगे, कोई बात नहीं, सब यहीं रह जाना अंकल। और वैसे अंकल किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि माँ बाप की खिदमत को जो शख्स बुलाता है दुनिया में मजे कर ले वहाँ पे नरक में जाता है, क्यों अंकल गलत का? बस अंकल इसी जज्बे से आप काम करते रहना, हिम्मत करते रहना, कोई टेंशन नहीं है और बहुत आगे जाओगे। तो भाई देखा आपने, मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ यार खाना खाने के लिए, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ भी सुनता हूँ, लेकिन भाई इनकी कहानी ने सचमुच मुझे भी रुला दिया। अंकल मुझे ऑफ़ द रिकॉर्ड्स बता रहे थे, कह रहे यार मेरी ना जो तकलीफ़ है वो ऑलरेडी कम हो गई, पता है क्यों? क्योंकि मेरी अपनों से उम्मीद ही कम हो गई। तो मैंने कहा अंकल बिल्कुल ठीक बात है, आप बस इसी हुनर से, इसी मेहनत से और इसी स्माइल के साथ ना काम करते रहो, कामयाबी तो भाई आपको मिलनी ही मिलनी है, दैट इज़ फॉर श्योर। और जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो भाई उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अंकल आप क्या बना रहे हो? बना रहे हैं हम खाली पापड़ी, पापड़ी चाट, सौंठ दही की, सौंठ और दही की। तो कितनी कितने की प्लेट अंकल? ये भी 20 रुपए की है। कितनी पापड़ी डालते हो? ये हम पापड़ी भरेंगे 10। 10 पापड़ी 20 रुपए में इतने सारे सामान के साथ? मान गए अंकल आपको। तो अंकल पैसे बच जाते हैं आपको? बचते हैं, बचेंगे क्यों नहीं, बच जाते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए जी, इन्होंने अपनी साइकिल के अंदर ही अपनी जो दुकान है उसको सजा लिया है, और पीछे इन्होंने काउंटर बना लिया है और उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे काउंटर लगाया है जिसमें इन्होंने भल्ले पापड़ी रखे हुए हैं, पापड़ी है, दही है, सौंठ है, करेला चाट जो इनकी मोस्ट फेमस है उसके ऊपर बाद इन्होंने यहाँ पे स्लैब भी बनाया है। उसके बाद इन्होंने देखिए साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है, पीछे इन्होंने डस्टबिन बना के रखा हुआ है, यानी कि थैला लटका के रखा है कि उसमें अपना गंद आप जो भी खाने के बाद है वो डालिए। तो अंकल ये भल्ला, भल्ले में क्या क्या जाता है जी? भल्ला किसका बनाते हो? मूंग दाल का? मूंग और ये जो उड़द की दाल और जरा सी सूजी पर भी है, बेसन पड़ता है, नमक डालिए, नमक डालिए जी, काला नमक से, ये काला नमक, ये क्या जी काला नमक। अंकल क्या कीमत क्या है इसकी? कीमत है 30 रुपये। 30 रुपये? क्या बात है, 1 के 20 रुपये, 1 के 20। इसके बाद जाएगी जी इनकी ये खट्टी। इसमें क्या क्या जाता है अंकल? हैं, इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें डालते हैं सौंठ डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं और लौंग डालते हैं। सौंठ, काली मिर्च, लौंग, मटर भी रहेगी इसके ऊपर, ये बॉइल्ड मटर है जी, और ये पापड़ी है, ये है जी क्रश पापड़ी इसके ऊपर, ये डालेंगे मिर्च, पीले वाली मिर्च। कौन सी मिर्च डाल रहे हो अंकल? ये पीली मिर्च, पीले वाली। क्या बात है, सेव।
और ऊपर से सॉल्ट और दही। जी क्या बात है। तो ये गई ऊपर से सॉल्ट, तो अंगली सॉल्ट, ये इमली खट्टी मीठी है। हाँ खट्टी मीठी है सर। खट्टी मीठी सॉल्ट है जी इसके ऊपर। आम के अमचूर की है। आम के अमचूर की, क्या बात है। ये इमली वाली नहीं है। ये गई ऊपर दही, मीठी दही, बहुत बढ़िया। और ऊपर से जाएगा जी काला नमक है, काला मसाला। काला मसाला, ओए ओए क्या बात है। तो ये है जी बढ़िया इनका एकदम भल्ला, इसकी कीमत है मात्र 30 रुपये और इसके अंदर बहुत सारा सामान जाता है। एक बार अपने हाथ दिखाओ जरा, इन हाथों से बनाए जाते हैं ये स्पेशल जो आप यहाँ पे भल्ले देख रहे हैं। और ये देखिए कितने सदैव इनके हाथ हैं, 60 साल से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम किया है जी, उसके बाद अब ये काम कर रहे हैं। तो ये जी इनकी स्पेशल करेला चाट और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल तरीके से जो यू नो प्रिपरेशन है उसका तैयारी किया, उसके बाद सॉल्ट डाली है, दही डाली है और उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें। तो आइए इसका मज़ा लेते हैं और आपको बता दें इसका स्वाद। एक नंबर अंकल, सबसे बढ़िया बात है कि भाई बड़ा खस्ता है, बड़ा करार है, दही और सॉल्ट डालने के बाद सौगी नहीं हुई, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो काले वाला मसाला है भाई, वो तो जान डाल रहा है करेला चाट के अंदर। 20 रुपये की बता, 20 रुपये के अंदर मिल रहा भाई, एक बार आके ना खाना जरूर। इसके अलावा क्या आइए देखिए। ये है जी इनकी स्पेशल भल्ले, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे दो तरीकों के भल्ले का इस्तेमाल करता हुआ, एक दही में डूबा हुआ और एक सॉल्ट में डूबा हुआ, और उसके ऊपर इन्होंने स्पेशल मसाला डाला है और साथ में मटर भी है और ठंडी ठंडी दही और चटनी भी। मैं अभी देखूंगा। बहुत ही सॉफ्ट भल्ला है भाई, मूंग दाल का भल्ला है, उसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है और उसके बाद उसको जो भिगो के रखा ना उससे वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। उसके बाद दही डाली है, चटनी है, मसाला है, बहुत बढ़िया मसाला, एकदम चटकारे वाला मसाला जैसा होना चाहिए चाट में, और ओवरऑल बहुत बढ़िया। कीमत पता है कितनी है, मात्र 30 रुपये, 30 रुपये में दो भल्ले और इतना सारा उसके ऊपर माल। और ये जी स्पेशल इनकी पापड़ी चाट, जिसमें 10 पापड़ियाँ जाती हैं, उसको डिप कर करके दही और सॉल्ट में दिया जाता है और इसकी कीमत है मात्र 20 रुपये। इसको टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया पापड़ी है, खस्ता है, करारी एकदम, और सूजी का जो इस्तेमाल है ना इस पापड़ी के अंदर भाई, वो चार चार लगा रहा है और मसाला A1 है ही है भाई। मेरी रिक्वेस्ट है एक बार अंकल के पास आना, जनकपुरी में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में खड़े होते हैं, और इनसे एक बार इनके भल्ले खा के जाना, पापड़ी खा के जाना और वो करेला चाट भी खा के जाना, मुझे बताना आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी है। तो भाई आज मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया अंकल की ये कहानी सुन के। मुझे पता है कि इस उम्र में अंकल का आराम का टाइम है, लेकिन उनको मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि उनको पेट पालना है जी अपने परिवार का। और अंकल पता है मुझे क्या कहते हैं, कहते हैं बेटा जो उसकी रजा है ना, जो उसकी मर्ज़ी है वही होना है, हम कुछ नहीं बदल सकते। और जब मैंने अंकल से पूछा कि आप सारा सामान बेच लेते हो, वो कह रहे हाँ मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, भगवान मेरा पूरा ध्यान रख रहा है, मेरे परिवार का पूरा ध्यान रख रहा है और हमें बिल्कुल संतुष्टि से ना दो वक्त की रोटी दे रहा है। भाई ऐसी कहानियाँ मैं आप तक लेके आता रहूँगा, ऐसी स्टोरीज़ मैं आप तक लेके आता रहूँगा, ऐसा खाना मैं आप तक लेके आता रहूँगा। अगर आपने स्वाद ऑफिशियल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई जगह पर, एक नए खाने की तलाश में।